मैं किसी के साथ ये नहीं बता पा रहा, जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड होता है सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि किसको बताऊं यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ये वाले जो स्कैम कर रहे हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कोई कोई वो आपका फ़ोन पे ओलेक्स फ्रॉड वाले बंदों के बस की नहीं है, वो आपको एक वेबसाइट बना के इंग्लिश में इतनी प्रोफेंसी के साथ आपसे बात कर रहे हैं परफेक्टली, ठीक है, या फिर आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन बना रहे हैं फ्रॉड करने के लिए। मान लो पड़े हैं मेरे 50 रुपये पड़े हैं, अब स्कैमर को मुझे 30 रुपये भेजने हैं, तो बैंक से या स्कैमर मेरे बिना UPI पिन डाले अगर वो 30 रुपये निकाल लेता है कैसे भी, तो उस केस में मैं बैंक से बोल सकता हूँ चार्ज बैक के लिए कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी में लूप हॉल था जिसकी वजह से मेरे 30 रुपये चले गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक को इसका बहुत बड़ा जवाब भी आने वाले टाइम में देना पड़ेगा कि उसकी उसके बावजूद इन अकाउंट्स में 10-10 लाख रुपये, 15-15 लाख का ट्रांजेक्शन कैसे होता है, इनकी KYC कैसे होती है। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, उन बैंक को नोटिस क्यों नहीं भेजा जाता जिनमें इतने सारे ऐसे एरिया क्यों मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, ईस्ट UP, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे स्टेट क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, आपके वो डॉक्यूमेंट जो घर में रद्दी की तरह पड़े रहते हैं उनके 1000 रुपये, क्योंकि आपके नाम पे कल को फ्रॉड करे जाएंगे। ये जो लॉयर साहब हैं, ये जो भी कुछ हैं, ये आपकी साइबर क्राइम में कंप्लेंट करेंगे और फिर भूल जाएंगे, उसके बाद आगे कुछ नहीं करने वाले ये। जब आप दोबारा जाओगे तो आपसे अगेन एंड अगेन फीस मांगी जाएगी और वो सर्कल चलता रहेगा। तो मैं कहूँगा ये काम आप खुद कर लो।